नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस समय पवन गंगा एजुकेशन सेंटर के अंदर हम लोग मौजूद है, जहां पर SSC के द्वारा यहां पर स्टेनो का जो एग्जाम है उसे कंडक्ट करवाया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार उनका ये कहना है कि जो अंदर उन्हें एग्जाम देने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जानते हैं, जुड़ेंगे यहाँ पे सीधा बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ था पूरा मामला, किन दिक्कतों को लेकर आज यहाँ पर जो बच्चे ये है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंटर है पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल और हमारा SSC का पहला ग्रेड डी का शिफ्ट था आज मॉर्निंग में। हमारे जो स्पीकर थे वो सिर्फ इतनी बड़ी क्लास में एक स्पीकर लगा हुआ था और उन्होंने कहा सबको समझ आएगा। जब हमारा ट्रायल पैसेज हुआ, हमने 10 बार बोला कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना उनकी प्रोनंसिएशन ना उनकी आवाज, और वो इतना फंबल कर रहे थे, उनको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी। और हमें 10 बार बोलने के बाद भी उन्होंने कहा तुम्हें पेपर देना है तो दो, नहीं तो मत दो। और इन्होंने सारे बच्चों के साथ यही करा। स्पीकर का क्वालिटी इतना खराब था, इन्होंने कहा दूसरे रूम में चले जाओ। जब हमने दूसरे रूम में भी ट्रायल के भी टाइम पे बोला कि इनका स्पीकर नहीं चल रहा, तो इन्होंने हमारा एक्चुअल पैसेज शुरू कर दिया बोल के कि लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो छोड़ दो। बच्चों का जबरदस्ती लॉग इन करा और उसके बाद कोई भी, इन्होंने हमें रूम में लॉक कर दिया इन सब लोगों ने, और हमें कोच भी नहीं पता है कि SSC करेगा या नहीं करेगा। और हमारा पेपर रीशेड्यूल होना चाहिए क्योंकि ये पेपर जो है ये कोई भी बच्चा डिक्टेशन नहीं लिख सकता, और 80 की डिक्टेशन बोल के 100 की स्पीड पे डिक्टेशन दी गई है। और उसमें पैसेज के पहले ये बोला गया है कि नाउ द डिक्टेशन विल बी गिवन एट 100 वर्ड पर मिनट 1000 वर्ड्स, और हमारा पेपर 80 वर्ड पर मिनट का होता है। फ्लक्चुएशन अलग बात है, इन्होंने गलत स्पीड पे बोला है पेपर। जब ये डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले एक इन्होंने जब अनाउंस करते हैं तो इसमें इन्होंने बोला था कि हम 1000 वर्ड की डिक्टेशन शुरू कर रहे हैं 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। जब इन्होंने हमें अलग से रूम में भेज दिया, इन्होंने कहा कि अब आप लोग पेपर देना चाहते हो तो दे दो, वरना आप जा सकते हो। ठीक है, हमने 4 बार इनको बोला, इन्होंने बोला जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है हाथ खड़ा कर लो। सारे क्लास के बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया जो भी हमारे बैच का था। इन्होंने, हमने बोला सर क्वालिटी बिल्कुल खराब है स्पीकर की, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने हमें दूसरे बैच में डाल दिया, वहां पे और भी ज्यादा खराब थी, हमें कुछ समझ नहीं आया। ये सिर्फ आपकी बैच के लोगों को प्रॉब्लम थी? मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं आपको एक्चुअली ये बात बताने वाला हूँ। इन्होंने हमारे बैच को बोला कि ये इशू सिर्फ आपके साथ हो रहा है। जैसे ही हम लोग बाहर आए तो यहाँ पे कई सारे लोग खड़े थे, सबने सेम चीज बोली कि हमारी लैब में भी ये इशू था, हमारी लैब में भी इशू था, हमारी लैब में भी इशू था। वो सेम उन लोगों को भी बोला कि सिर्फ आप लोगों को दिक्कत है और किसी को दिक्कत। फरीदाबाद में पेपर रिकंडक्ट कराया गया है। टोटल जो टाइमिंग आप लोगों को दी जाती है उसको लेकर भी कोई इशू आया था? हमें टाइमिंग कुछ दी नहीं क्योंकि हमारा पेपर हुआ ही नहीं और ना ही हमें कोई स्पेसिफिक रीडिंग टाइम दिया गया। सबसे बड़ा इशू इनका ये था कि जब इन्हें पता था कि इनके स्पीकर की क्वालिटी सही नहीं है, जो बंदा वहाँ पे पूरे डिक्टेशन दे रहा है उसकी प्रोनंसिएशन में इशू है थोड़ा सा, तो उनको कुछ और करना चाहिए था। उसके लिए जो डिक्टेटर थे जिनकी वॉइस रिकॉर्डेड थी पहले से, उनकी प्रोनंसिएशन और उनकी आवाज बहुत ज्यादा फंबल हो रहा था, तो बहुत, और हमने बोलने के बाद भी हमारी किसी बात को इन लोगों ने कंसीडर नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें धमकाया गया कि जिसको जाना है उठ के जा सकता है चुपचाप अपना एडमिट कार्ड लेकर के। इतने बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया है। कम से कम यहाँ जितने भी बंदे थे उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं। सेंटर पे जो है आज SSC की सेम चीज हुई है और तीनों सेंटर पे पुलिस बुलाई गई है, लेकिन उसमें से एक सेंटर फरीदाबाद का उन्होंने पूरा जो टेस्ट है उसको रिकंडक्ट कराया और हमारे सेंटर पे कुछ भी हमें हेल्प नहीं मिली। यहाँ पे कुल कितनी लैब्स में बच्चे जो है टेस्ट दे रहे थे? 14 लैब्स। 14 लैब्स थे। 14 लैब्स में सभी को प्रॉब्लम आई है? सभी को प्रॉब्लम आई है। सबके पेरेंट्स यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे हैं, सबके पेरेंट्स सुबह से खड़े हैं, सबके पेरेंट्स ने पुलिस को बुलाया, ना पुलिस ने कोई हेल्प करी है और ना ही किसी और ने करी है। और कल हम सुबह सब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाएंगे और 11 बजे और आपको ये पेपर रिकंडक्ट कराना चाहिए क्योंकि किसी को भी नहीं हुआ है। अगर पेपर रिकंडक्ट नहीं होता है तो आपकी अगली जो भूमिका कदम क्या रहेगा? हम ट्विटर पे टैग करके सबको, स्पेशली टू मोदी जी जिन्होंने ये वैकेंसी ये बढ़ाई है, और SSC चेयरमैन, ये वैकेंसी जो बढ़ाई गई है ये 2 साल के बाद ये पेपर हुआ है और ये पेपर हर उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर बच्चा बहुत सालों की मेहनत से यहाँ पहुंचा है, कोई भी ऐसे ही नहीं आया है। दिल्ली के ही बच्चे हैं या कहीं और? मध्य प्रदेश, देहरादून के बच्चे। एक लड़का हमारे यहाँ पे देहरादून से आया हुआ है, एक लड़की यहाँ पे मध्य प्रदेश से आई है। एज कैटेगरी है, मैं हूँ, उसके बाद में नहीं, 27 का होने वाला हूँ। 27 के बाद आप डी ग्रेड का नहीं दे सकते, तो मेरी एज क्राइटेरिया मेरा ओवर होने वाला है 27 लास्ट। अगर आपको इस बार दोबारा से चांस नहीं मिल रहा तो इस कोर्स में आपका फ्यूचर देखा जाए तो ऑलमोस्ट खत्म है। खत्म हो चुका है।
इसके आगे अब कुछ नहीं है, ये लास्ट था। एक चीज और बताना चाहूंगा, ट्रायल जो पैसेज होते हैं वो इसलिए होता है ताकि हम बता सके कि इट इज ऑडिबल और नॉट, लेकिन हमने रिजेक्ट तीनों बारी कर दिया जी, हम इस चीज से ऑडिबल नहीं है। पांच बारी, तीन बारी, हर लैब में अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया था, लेकिन हमने जब, हाँ जी, मैं बताता हूँ मैम, वो कह रहे हैं कि एक्चुअल पैसेज आपको देना ही पड़ेगा, हमारे पास यही फैसिलिटी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए, अगर बैकअप नहीं है तो काय का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीकर का ट्रायल क्यों दे रहे हो तुम हमें? स्पीकर का ट्रायल का मतलब ये है कि ऑडिबल है तो जब ही तुम्हारा एक्चुअल होगा, अगर ऑडिबल नहीं है तो एक्चुअल कांट बी पॉसिबल, तो व्हाई दे डिड। ये सेंटर कभी भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए पूरी क्लास में, सिर्फ एक छोटा सा स्पीकर अनाउंसमेंट वाला जिससे डिक्टेशन नहीं हो सकती। मेरी एसएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये पेपर दोबारा कंडक्ट कराए, आप लोगों ने जबरदस्ती उन लोगों से लॉगिन तो करवा लिया, बच्चों से आपने टाइपिंग तो ऑन करवा दी, अब बच्चों ने कोशिश भी करी बट उनसे नहीं लिखा गया, नहीं पढ़ा गया वो मैटर जो आप लोगों ने उनको बोला था, अब उन लोगों की लाइफ खराब होगी, अब वो लोग पूरा साल इंतजार करेंगे। अब आप वहाँ खड़े होकर के बच्चों को हंस के दिखा रहे हो, बच्चों आपको बता रहे हैं कि हमको ये इशू है, आप उनको स्माइल दे रहे हो। एक बात और, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें, इन्होंने जैसे डिक्टेशन बोली, पहले तो डिक्टेटर खराब था, उसकी आवाज नहीं है, यही समझ नहीं आ रही थी, और जैसे उसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शन की कॉपी भी दूंगा, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है डिक्टेशन देने के बाद 10 मिनट रीडिंग का टाइम मिलता है, लेकिन वो मिला ही नहीं, उसके बाद पेपर इन्होंने शुरू कर दिया, वो मतलब उसमें फिर हम अपने वो ठीक नहीं, समझ नहीं आ रही थी, समझने में प्रॉब्लम थी क्या? मैंने खुद कह के कोई एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दिया गया? नहीं कुछ नहीं, मैंने खुद कह, तीन बार ट्रायल हुआ है, बार बार ट्रायल होने का मतलब क्या होता है कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है और लैंग्वेज समझ में नहीं, लिखा नहीं जा रहा है, तो ऐसे करके इन्होंने मतलब कोई भी हमारे साथ हेल्प नहीं करी, बाद में पुलिस भी आई, पुलिस वालों ने इनको बुलाया तब भी ये बाहर नहीं आए, ऑब्जर्वर, हाँ ऑब्जर्वर ऐसे हाथ निकाल रहे हैं जैसे उसको मतलब कुछ है ही नहीं। देखो मैं रूम में था, मेरे साथ ये थी और एक लड़का और था, हम तीन जने रूम में थे, हमने हमारे साथ सारे बच्चों ने एकदम से बोला कि सर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्होंने बोला दोबारा चलवा रहे हैं, फिर उसी स्पीकर से आप पांच बारी हमें चला के सुना रहे हो कि वो ठीक थोड़ा हो जाएगी, वो स्पीकर थोड़ा ठीक हो जाएगा अगर आप पांच बारी उससे सुना के चलाओगे, स्पीकर तो वही रहेगा ना, हमें बोल रहे हैं तो पार्टी नहीं करने आए हो कि तुम्हें चार स्पीकर मिलेंगे, दिस इज नॉट द वे, बिकॉज़ वी आर ऑल हियर टू गिव द एग्जाम नॉट टू पार्टी, ये सब मेहनत करके आए हैं यहां, और आप कह रहे हो कि आपको सुनाई नहीं देता, आपके कान में कोई दिक्कत होगी, यार ये तरीका नहीं है, आपको बोला गया उनके द्वारा अभी को बोला गया ये कि आपके कानों में कोई इशू होगा जो आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैं जिस जींद से अपने बेटे के साथ एग्जाम दिलाने आई हूँ और मेरे घर में सुबह मैं 5 बजे से चली थी, लेकिन इनके दादा की डेथ हो गई 7 बजे, मुझे पता लगा रास्ते में आने के बाद, मेरी गुड़िया को, ये मेरी गुड़िया है, इसको पता लगते ये रोने लगी, लेकिन हमने अपने फिर ये एग्ज़ाम पहले सोचा, लेकिन ये आने के बाद ये देखो ये हाल हुआ, तो बच्चे पे क्या बीत रहे हैं अभी, हमें वहाँ पर जाना भी है और हम क्या करें, अब हम एसएससी को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो है इसमें कार्रवाई करते हुए दोबारा पेपर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, वो अगली बार में ओवर एज हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। मेरी बेटी पिछले 1.5 साल से उसको सीवियर बैक एक है और वो मैक्स वैशाली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही है, बिना फिजियोथेरेपी के वो बैठ नहीं सकती है, और आज सवेरे भी मैं उसकी पट्टियाँ लगा के उसको लेके आया हूँ टेस्ट कराने, और उसके 4 घंटे बाद पता लगता है कि वो जो है पेपर में ये गड़बड़ हुआ है, ऑडियो का प्रॉब्लम रहा है, वॉइस का प्रॉब्लम रहा है, स्पीड का प्रॉब्लम रहा है और बिहेवियर का प्रॉब्लम रहा है, तो मैं तो बहुत चिंतित हूँ कि आगे क्या होगा। अंदर मैम बस वही हियरिंग में ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे फ्लक्चुएशंस भी उन्हें करनी नहीं आ रही थी, जैसे स्पीड भी देखी जाती है, जैसे स्पीड में भी लिख देते हैं बच्चे 80-90-100 की तो करके ही जाते हैं, जैसे फ्लक्चुएशन होती है ना तो प्रॉब्लम तो होती है, 90-100 की तो करके ही जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं करनी आ रही थी उनको तो, और हियरिंग में ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे छोटा स्पीकर था, लैब ज़्यादा बड़ी थी तो ज़्यादा वॉल्यूम करते थे तो डिस्टर्ब होती थी आवाज़, और कम करते थे तो फिर बच्चों को नहीं सुनती थी, बच्चे भी कम ही थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मान ले सीट भी चेंज करी सभी ने लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने सिर्फ यही बात बोली थी कि भाई जिसको करना है करो, नहीं करना तो मत करो। हम यहाँ पर जुड़े यहाँ पर विद्यार्थियों से और उनके पेरेंट्स से, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि एसएससी की तरफ से यहाँ पर बच्चों के साथ में, उनके जीवन के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है, कई समस्याएं जो बच्चों ने कई बार वहाँ के टीचर्स को बताने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फिर भी बच्चों की एक ना सुनी, जिसके बाद अब पेरेंट्स और बच्चों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है, उनका एसएससी से यही गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं बच्चे की, जो पेपर है वो दोबारा से करवाया जाना चाहिए, आप
लोगों की इसको लेकर क्या कुछ राय है कि एसएससी को पेपर दोबारा से करवाना चाहिए या नहीं, या एसएससी की जिसमें जो लापरवाही है वो किस तरह से सामने आ रही है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों की क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी अपना एग्जाम देने के लिए आए थे, अपना जीवन संवारने के लिए आए थे, उन लोगों को इंसाफ मिल सके। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ दिल्ली।